हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सादाते किराम से ताल्लुक था, सैयदजादे थे। सादाते किराम को अल्लाह ये इज्जत देता है कि पैदाइशी तौर पर भी उन लोगों के पास सनद होती है कि उनकी इज्जत करना उम्मत पे जरूरी है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, ये उनको फजीलत होती है। बाबा साहब फरमाते मेरे पास फजीलत थी, अजमत थी, मैं सैयदजादा था और गिलानी सैयद गौसे आजम की औलाद, लेकिन आप फरमाते मुझे पता था कि अंदर से मैं खाली हूं। हमारे जमाने में कुछ बरादरियां ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने बड़ा बना दिया है, वो बड़े बन गए हैं, नीचे उतरने को तैयार नहीं। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये ज्यादती दोनों तरफ से होती है। असल मुजरम वो नहीं जो अपने आप को बड़ा जानता है, असल मुजरम वो है जो अपने आप को छोटा समझता है, वो असल मुजरम। तो उस जमाने में सादाते किराम की बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था। तो बाबा साहब कहते हैं मेरे घर में पीरी मुरीदी थी, अब्बा जी भी पीर, दादा जी भी पीर, परदादा जी भी पीर, सारे पीर थे, लेकिन मैं जब अपने दिल पे नजर डालता था तो खाली था मामला, शय कोई नहीं थी पास। आज चुमा लेना, नजराना ले लेना, बात ठीक है, लेकिन ना इल्म ना मार्फत, कोई शय नहीं। अब फरमाते मैंने जब पलट के देखा ना, पूरे इलाके पे नजर डाली तो एक दरवेश बाबा, एक सादा बाबा, साईं इनायत कादरी, जिसकी कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ी बरादरी नहीं, और काम उसका क्या है, रंबा ले लेता और सारा दिन खेतों में मेहनत करता, लेकिन जब मगरिब होती तो उस बाबे की मजलिस सजती। और कहते हैं जब एक दफा वो अल्लाह कहता तो उसकी थारी दाढ़ी आंसुओं से भर जाती, और जब इशा के बाद वो हुजूर पे दुरूद पढ़ना शुरू करता तो लगता ये कि ये सादा नहीं पढ़ रहा, ये मुस्तफा की जियारत करके दुरूद पढ़ रहा। फरमाते मेरी सारी बरादरी को पता था कि इसके पास मारफत है, लेकिन मसला ये है कि हम सैयद हैं, वो राई हैं, अब वहां जाएं बुत तोड़ें कैसे, टूटता ही नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत, कैसे टूटेगा, लोग कहेंगे तू मौलवी के पास जाता है, तो ये हो गया है, सारी जिंदगी गुनाह करते रहो, जुल्म करते रहो, हमें ताने का डर नहीं, दरवेश के पास जाए तो लगता है कोई ताना देगा कि किधर चला गया, किधर चला गया, जेकर यार दे नाम दा मिले में ना उन्हों चोली पा लिए पुंजे सुटिए ना, तो ये कर नार दे नाम दी मिले सूली झूठा झूठ लिए पिछाटिए ना। बाबा साहब कहते मैं रोज अपने आप से जंग करता कि जाऊं के ना जाऊं। दो चार पांच लोगों से मैंने मशवरा किया तो कहने लगे तू सैयदों को बदनाम करेगा, अब तू सादात को बदनाम करेगा कि सैयद होके किसी के दरवाजे पे जाता है। बाबा साहब कहते एक दिन लड़ते लड़ते मैं थक ही गया, मैं चला ही गया, मैंने कहा नहीं अंदर का बुत तोड़ूंगा तो बात बनेगी। कहते कसूर का मैं रहने वाला था और मुझे समझाने के लिए उच्च शरीफ से जहां के आप रहने वाले थे जो पिछला इलाका था वहां से बड़े बुजुर्ग बुलाए गए कि बुल्ले शाह को समझाओ। कहते हैं वो बाबा जी जब आए तो मैं पहचान गया बरादरी के कबीले के इलाके के बड़े। मैं जब उनके करीब गया तो वो नहीं मुझे जानते थे, बुजुर्ग थे, मैं तो जानता था ना, तो मुझे कहने लगे बेटे कौन हो, तो मैंने कहा हुजूर मेरी तो पहचान ही कोई नहीं, मेरी तो कोई पहचान नहीं, आप बताएं आप कौन है, तो कहने लगे ऐसी उचेरे साड़ी जात उचेरी क्योंकि उच्च शरीफ च रहने, तो अब तू बता। तो बाबा साहब कहने लगे ऐसी कसूरी ते जात भी कसूरी क्योंकि विच कसूर दे रहने, वे जो छोटे तो अपना कसूर मानते, हाँ जे कोई सानू उच्चा मिल जाए तो नीवे हो बहने, बात खत्म हो गई। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा समझाया, बाबा जी कहने लगे हुजूर मैं क्या करूं, मैं जब उस दरवेश के पास जाता हूं तो मुझे रब याद आता है, जब मैं उसके पास जाता हूं तो मेरे मन की मैल कुचैल धो डालता है, और मैं उसकी मजलिस में बैठा होता हूं तो लगता हूं लगता है कि मदीने वाला रसूल भी मुझे मुस्कुरा के देख रहा है। मेरी मजबूरी है, मेरे वो जो अंदर के बातन के मैल है ना उसने धो डाले। और कहा हुजूर आप तो कहते हैं उसके पास ना जाओ, मेरा तन तो घर में होता है, मेरा मन उसी के पास रहता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ, उसी के पास बैठता हूँ, उसी के पास होता हूँ, और मैं मेरी कशिश इतनी सख्त है कि अब मेरा गुजारा नहीं, अब उसी के साथ जेड़ा बुल्ले नू सैयद आखे उन दोजख मिलने सजाई। अब इसकी तशरीह बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने रंग में की है, कुछ ने कहा बाबा जी ने बद दुआ दी है,
ये बददुआ है। अगर कहा तो उलझ जाओगे, लेकिन है भी वो सैयद, झूठ भी नहीं। कुछ कहते हैं बददुआ दी है, कुछ कहते हैं उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अल्लाह का वली हूँ। अगर किसी ने ये लफ्ज कहा तो वो याद रखे, उलझ जेड़ा बुले नू सैयद आखे ओनू दोजख मिलन सजाई, तो जेड़ा बुले नू राई आखे वो जन्नत पींगा पाई।